Good evening friends, welcome to Gradeup, India's largest online education platform. तो जल्दी से आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनसा वाचा और कर्मणा क्या होता है. ओके, सो जितने कैंडिडेट्स आ चुके हैं जल्दी से सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, ताकि आज सभी एसएसबी के सीरियस एस्पिरेंट्स को पता चले कि टेस्टिंग प्रोसीजर जो होता है वो किस प्रकार से होता है. सो कैंडिडेट्स, आज के सेशन में मैं शरद मुद्गल आपके साथ डिस्कस करूंगा मनसा वाचा कर्मणा और विच इज द अंडरलाइन कंसेप्ट बिहाइंड द एसएसबी टेस्टिंग और द एसएसबी असेसमेंट. सो जल्दी से आप पहले मुझे बताइए कि इज द वीडियो एंड द ऑडियो एब्सोल्यूटली क्लियर टू एवरीवन? क्या वीडियो ऑडियो क्लियर है? और जल्दी से जितने भी कैंडिडेट्स ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जल्दी से सेशन को लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें. ओके, सो एवरीथिंग इज गोइंग गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दैट इन ऑर्डर टू कीप योरसेल्फ फिट, अगर आपको खुद को ठीक रखना है सिचुएशन में, कोरोना वायरस की सिचुएशन में, मेक श्योर दैट यू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली. आप अपने हाथों को बिल्कुल सही प्रकार से धोएं. कोई आपके सामने सिम्टम अगर आता है तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट गेट लेट इन इन्फॉर्मिंग एट दिस नेशनल लेवल हेल्पलाइन नंबर. ये जो नेशनल लेवल हेल्पलाइन नंबर है, इस पर इन्फॉर्म करने से भी बिल्कुल भी लेट ना हो. अब स्टार्ट अगर हम करें तो ये मनसा वाचा कर्मणा, इसकी अगर हम बात करें तो किस प्रकार से एसएसबी प्रोसीजर में इसे इंटरप्रेट किया जा सकता है. अब अगर हम देखें कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो एक कैंडिडेट को अगर आप देखेंगे, एक कैंडिडेट 15 ऑप्शन लाइक क्वालिटीज पर तीन असेसर्स के द्वारा टेस्ट किया जाता है या फिर असेस किया जाता है, जिसमें से एक होते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक होते हैं आपके ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और एक होते हैं आपके साइकोलॉजिस्ट. सभी केसेस में आप ये देखेंगे, अगर मनसा, अगर आपके माइंडफुलनेस की बात करेंगे तो साइकोलॉजिस्ट इन सभी पैरामीटर्स को टेस्ट करते हैं. इंटरव्यूइंग ऑफिसर की बात करें तो वो वाच, अगर आप देखते हैं कई बार हिंदी में वाक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी स्पीच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको आपके वर्बल और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उनके ऊपर टेस्ट करते हैं. इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपके ऑफिसर जो आते हैं वो है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर. ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर आपको कर्म, जो आप एक्शंस करते हैं, उन एक्शंस के बेस पर आपको टेस्ट करते हैं. तो अगर हम बात करें तो इसमें से आप ये देखेंगे साइकोलॉजिस्ट सिर्फ आपके जो रिटन रेस्पॉन्सेज होते हैं उनके बेसिस पर आपको टेस्ट करेंगे. इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे वन ऑन वन इंटरेक्ट करेंगे फॉर अराउंड 40 to 45 minutes, और जरूरत पड़ेगी तो उससे भी ज्यादा. और जीटीओ एक ऐसे ऑफिसर हैं जो सबसे लंबी ड्यूरेशन में एक कैंडिडेट के साथ रहते हैं. आप देखेंगे 2 दिनों तक वो एक कैंडिडेट को डिफरेंट 9 टेस्टिंग प्रोसीजर्स के ऊपर टेस्ट करते हैं. ओके, तो आप ये देखेंगे आपके जीटीओ ने आपके लिए 9 टेस्ट. इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो टीएटी के साथ एसआरटी, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, तो 4 टेस्ट आपके साइकोलॉजिस्ट ने भी कंडक्ट करे और इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपके साथ एक वन ऑन वन पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया. तो आप देखेंगे इन सभी चीजों में एक असेसर आपकी होलिस्टिक पर्सनैलिटी को टेस्ट करेंगे इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर. अब अगर हम एक और चीज देखें तो एसएसबी इंटरव्यू किसी भी प्रकार से अपने आप में बहुत अलग एक एक्सक्लूसिव टेस्टिंग प्रोसीजर है, जो कैंडिडेट को ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज दे टेस्ट द कैंडिडेट ओवर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज. ये 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती है वो भी मैं आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा, और फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से टेस्टिंग एक होलिस्टिक और बेस्ट टेस्टिंग के रूप में ये बाहर आती है. दूसरा, एसएसबी प्रोसीजर में कैंडिडेट का सिलेक्शन और रिजेक्शन की अगर हम बात करें तो वो एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, वो एक बैटल ऑफ द फिटेस्ट है, जिसमें 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पर सभी कैंडिडेट्स को टेस्ट किया जाता है. उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इन सभी चीजों में आप ये देखेंगे एक कैंडिडेट को सिर्फ उन 15 पैरामीटर पर टेस्ट किया गया है, और उन 15 पैरामीटर्स पर यह अंदाजा लगाया जाता है कि क्या ये आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, फिट हैं या नहीं. आप देखेंगे इन सभी पैरामीटर्स में एक कैंडिडेट का फोकस,
चेक किया जा रहा है। उसके अलावा आप ये देखेंगे ये जो फोकस है वो कितना कंसंट्रेटेड है। सभी असेसर्स इन चीजों का ध्यान रखते हैं, चाहे आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो, चाहे आपके साइकोलॉजिस्ट हो या फिर आपके जीटीओ हो, वो ये ध्यान रखते हैं कि कैंडिडेट के सामने जब एक स्टिमुलस लाया गया उस स्टिमुलस पर कैंडिडेट ने किस प्रकार से रेस्पॉन्ड किया। तो जल्दी से अभी जितने भी कैंडिडेट्स आ चुके हैं मैं आपसे दोबारा एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को शेयर करें। आज के सेशन का भी हमारा टारगेट है 100 लाइक्स का, तो जल्दी से इस सेशन को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी पर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स इस सेशन का फायदा उठा सके। इसी के साथ साथ आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं वो मैं केटर करूंगा। उसके आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन का फेज है इसमें आप चाहे रिटन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने ना दें। इस समय को बिल्कुल भी खराब ना करें और एक बहुत डेडिकेटेडली अपने जो करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके लिए तैयारी करें। ओके, अब अगर हम बात करें इस चीज में तो आप देखेंगे सभी असेसर एक कैंडिडेट के सामने जो स्टिमुलस आता है उस स्टिमुलस में कैंडिडेट के रेस्पॉन्सेज को मैच करते हैं। कैंडिडेट के सामने कोई स्टिमुलस, कोई कंडीशन, सिचुएशन दी गई, उसमें कैंडिडेट कैसे ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन जो है वो कैंडिडेट की इमेजिनेशन का हिस्सा है और उसमें फिर कैसे एक्ट करता है। तो आप ध्यान रखेंगे अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, रिमेम्बरिंग द प्रॉब्लम एंड देन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इज द मेन टास्क विच हैज टू बी कैरीड बाय द कैंडिडेट। अब आगे अगर हम देखें OLQs की बात करें तो OLQs में आप देखेंगे OLQs में सभी अलग अलग पैरामीटर्स जो है उनके हिसाब से OLQs को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अगर हम कैंडिडेट की माइंडफुलनेस को बात करेंगे तो ये प्रोमिनेंट जो फैक्टर वन है आपका, आप देखेंगे इसमें सभी प्रकार से साइकोलॉजिस्ट एक कैंडिडेट के ऑब्जर्वेशन स्किल्स को टेस्ट कर रहा है, मतलब कैंडिडेट के मन में क्या चल रहा था, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, किस हिसाब से वो रीजन आउट कर रहा है सिचुएशन को और ऑर्गेनाइज करके उन्हें एक्सप्रेस करता है, इस चीज का असेसर ध्यान रखते हैं। इसी के अलावा आप देखेंगे कि ये आपका पैरामीटर रहा माइंड का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका हार्ट कैसा है, ओके, हाउ वेल यू कैन सोशलाइज, आपका सोशल एडजस्टमेंट जिसे आप देखते हैं फैक्टर टू भी कहा जाता है। इस फैक्टर टू में आपका सोशल एडजस्टमेंट के साथ साथ कोऑपरेशन और सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर आप एक ग्रुप में रहेंगे तो कितनी अच्छी तरीके से आप एक रेस्पॉन्सिबिली जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपके एक्शंस जो है, ओके, एक्शंस एक लीडरशिप एक्शंस जो है वो किस हिसाब से रिजॉल्व होते हैं, उन चीजों की भी हम बात करेंगे और इन सभी पैरामीटर्स को आप देखेंगे एक होलिस्टिकली एक लीडर कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो आप देखेंगे किस हिसाब से फैक्टर थ्री में आप लोगों के एक इनिशिएटिव, उसके साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ लार्जर ग्रुप और लाइवलीनेस, आप देखेंगे फैक्टर टू और फैक्टर थ्री कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो चुके हैं। इसी के साथ साथ जो फाइनल हम देखें आपके एक्शंस की अगर बात की गई है उसमें डिटर्मिनेशन, करेज और स्टेमिना, ये सभी ऐसी चीजें हैं कि आपके एक्शंस आप कितनी जल्दी एक करेजियस अंदाज में, वेदर यू आर डिटर्मिंड टू फुलफिल योर एम और नॉट, ये सभी चीजें आपके एक्शन जो है वो भी असेसर देखते हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे सभी जो पैरामीटर्स हैं इन पैरामीटर्स को असेसर अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, आपने जिस हिसाब से परफॉर्म किया है ऑब्जेक्टिवली उसी के हिसाब से आपका आपको रिकमेंड किया जाता है या फिर आप रिजेक्ट हो जाते हैं। अब अगर एक एक फैक्टर को हम देखना शुरू करें हम देखेंगे कि साइकोलॉजिस्ट का किस हिसाब से आपका जो मन है, आपके जो माइंड है उसे कैसे असेस करता है। पहली चीज आती है आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की आप बात करें तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में यह देखा जाता है वेदर और नॉट द कैंडिडेट इज कैपेबल टू इवॉल्व वर्केबल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स ऑफ वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर सबसे पहले बात करें साइकोलॉजिस्ट ने आपके कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट किए, उसमें आपका TAT,
एक टेस्ट कंडक्ट किया गया, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, जिसमें स्टोरीज के माध्यम से आपको समझा गया। उसके बाद आप देखेंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कंडक्ट हुआ, फिर आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कंडक्ट कराया गया, और उसमें फिर एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी था। इन सभी टेस्ट से एक असेसर ये बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द कैंडिडेट। ओके, तो आप देख रहे हैं कि आज आप लोगों को एक कितने डिटेल तरीके से ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो जल्दी से सेशन को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आती है अफेक्टिव इंटेलिजेंस। अफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब कि ऐसी इंटेलिजेंस जो आपको काफी जो सिचुएशंस आपके सामने आती है, चाहे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है या फिर सिंपल सिचुएशन है, और कई बार आप देखेंगे आपको मल्टीटास्किंग भी बनना पड़ता है क्योंकि सिचुएशंस वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटी और वेरिंग नेचर की आपके सामने आ जाती है। इसी के बाद हम देखें तो रिसोर्सफुलनेस। अब आपके सामने अलग अलग एनवायरमेंट, अलग अलग सिचुएशंस में आपके सामने काफी जगह रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। काफी जगह आपके साथ ऐसा भी हो जाता है कि आपको बहुत कम रिसोर्सेज में अब खुद को सस्टेन करना है। साइकोलॉजिस्ट आपको जो टेस्ट देते हैं, सिचुएशंस देते हैं, उन सभी सिचुएशंस में एक टाइम का भी पैरामीटर रहता है। तो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आप लोगों के जो बेस्ट और ओरिजिनल रिस्पॉन्सेज होते हैं वही निकलकर बाहर आते हैं। तो इस रिसोर्सफुलनेस में असेसर साइकोलॉजिस्ट बहुत जल्दी से आपसे बिना मिले ये समझ जाते हैं दैट व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कैंडिडेट टू मेक यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर अचीवमेंट ऑफ द गोल, फॉर अचीवमेंट ऑफ द टारगेट ऑफ द कैंडिडेट। तो आप देखेंगे साइकोलॉजिस्ट ने सभी टेस्ट कंडक्ट किए और इन सभी टेस्ट के साथ साथ ये भी देखा कि एक रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज कितनी अच्छी तरीके से किया जा रहा है, और जो टफ और टाइट सिचुएशंस हैं उन सिचुएशंस में भी सॉल्यूशन निकालने की कैपेबिलिटी कैंडिडेट की है या नहीं। तो आपने देखा कि किस हिसाब से साइकोलॉजिस्ट आपके माइंड को बहुत अच्छे अंदाज में असेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि क्या आप ऑफिसर लाइक क्वालिटीज पर फिट पाए जा रहे हैं या नहीं। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि साइकोलॉजिस्ट आपके मनसा या फिर माइंड को कैसे रीड करता है। इसके साथ साथ अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके वाच, स्पीच, जो वर्बल स्किल्स है उन्हें कैसे इन्फर करता है, उनसे आपके ऑफिसर लाइक स्किल्स जो है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज को कैसे इन्फर करते हैं। सो इफ वी सी द फर्स्ट थिंग कम्स आउट टू बी द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, हाउ वेल यू एक्सप्रेस योरसेल्फ। ओके, सो इट इज अ बेसिकली इट इज अ वन ऑन वन इंटरेक्शन विच टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू। सो इट इज बेसिकली अ पर्सनल इंटरव्यू वेर इन यू सिट अक्रॉस द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, और अगर आप देखेंगे दिस इंटरव्यूइंग ऑफिसर इज दे आर द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड। ओके, सो इंटरव्यू इज ईदर कंडक्टेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ कर्नल और बाय द बोर्ड प्रेसिडेंट हु इज अ ब्रिगेडियर, और इन सम कंडीशंस इट मे ऑल्सो बी कंसिडर्ड कंडक्टेड बाय अ मेजर जनरल हु इज द कमांडेंट ऑफ द सर्विस सिलेक्शन सेंटर। ओके, तो आप देखेंगे द फर्स्ट थिंग दैट ही मेक श्योर इज वेदर और नॉट द कैंडिडेट हैज अ गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन और नॉट, वेदर ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ क्लियरली और नॉट। अगली चीज आती है क्लैरिटी इन योर स्पीच। सो दिस पावर ऑफ एक्सप्रेशन इट टेक्स केयर ऑफ बोथ द थिंग्स, वेदर यू आर क्लियर इन डिलीवरिंग योर आइडियाज, योर फीलिंग्स और वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। तो आप अगर बात करें एक अच्छे ऑफिसर की, वही एक सबसे जरूरी क्वालिटी है क्या, अगर वो अपने आइडियाज को या अपने डिसीजंस को अपने सबॉर्डिनेट्स तक या अपने कलीग्स को एक बेटर, एक एफिशिएंट तरीके में पहुंचा सकते हैं या नहीं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर टू बी केप्ट इन माइंड। नेक्स्ट थिंग दैट वी सी इज हाउ वेल यू कन्वे योर फीलिंग्स। ओके, सपोज आप इसमें देखते हैं कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर समटाइम्स ही मे ऑल्सो गिव यू सिचुएशंस। In those situations, he also ensures that when you are subjected to a tough situation, then how will a candidate react? Okay, and in that situation, whether he is able to express himself freely in a better manner or not.
Okay, so the interviewing officer, by the assessment of your speech, by the assessment of your communication skills, he just ensures that whether or not the candidate is able to express himself clearly or not. Next thing which comes to mind is the ability to influence. Ab aap log dekhenge kai baar interviewing officer bhi aapse agar baat karte hain uske baad wo bahut hi zyada aapse influence ho jate hain. Interviewing officer इन्फ्लुएंस होते हैं या नहीं, ये आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन पर एक बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है. बहुत ज्यादा इसकी एक बियरिंग आती है कि आप सिलेक्ट होते हैं या नहीं, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही एक ऐसे ऑफिसर होते हैं जो आपके साथ अराउंड 40 टू 45 मिनट्स एट लेंथ डिस्कस करते हैं आपकी थ्रू आउट लाइफ. वो डिस्कशन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, आपके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स और उसके साथ साथ कई बार बहुत लाइटर मोड पर भी हॉबीज, इंटरेस्ट, गेम्स, स्पोर्ट्स, इस पर आपका डिस्कशन रहता है. और ये डिस्कशन इंटरव्यूइंग ऑफिसर को एक बहुत अच्छे तरीके से बता देता है कि कैंडिडेट का क्या बैकग्राउंड रहा था और कैंडिडेट उस बैकग्राउंड को कितने अच्छे तरीके से किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहा है. सो आगे अगर हम बात करें, उसके आगे अगली चीज आती है द डिटर्मिनेशन. इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और क्वेश्चंस में आपसे ये पूछते हैं दैट इन केस यू फेल दिस टाइम देन व्हाट विल यू डू. ऐसे सर इंटरव्यूइंग ऑफिसर सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैंडिडेट डिटर्मिनेशन में अच्छा ना हो, कहीं उसके उसको आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए डिटर्मिंड है भी या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक आम करियर ऑप्शन की वजह से यहां पर आ रहा हो. सो इंटरव्यूइंग ऑफिसर इन हिज इंटरेक्शन विद यू ही ऑब्जर्व्स एंड असेसेस वेदर और नॉट द कैंडिडेट इज डिटर्मिंड एंड मोटिवेटेड टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस और ही इज जस्ट कमिंग हियर टू वेस्ट एवरीबडीज टाइम. सो इसके साथ साथ अगर आगे हम देखें कि आगे की चीजों में आप देख रहे हैं कि आप सभी के काफी डाउट्स आ रहे हैं, आप सभी के काफी डाउट्स को मैं भी डिस्कस करूंगा. ओके, आपके जितने भी डाउट्स हैं, ऑल दी डाउट्स आई विल बी टेकिंग केयर बट इन दी एंड ऑफ दी सेशन. नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगली चीज आती है GTO. एंड GTO इज द ऑफिसर हु टेक्स केयर ऑफ योर एक्शंस. तो आपने अभी तक देखा कि कैसे एक माइंड को आपके साइकोलॉजिस्ट ने रीड किया, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को और आपके स्पीच के तरीके से आपको असेस किया था इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने, और अब लास्ट में आपके एक्शंस को असेस करने की जिम्मेदारी आ चुकी है GTO के ऊपर. GTO आपके साथ 9 टेस्ट कंडक्ट कराते हैं. तो आप देखेंगे उसमें ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, आप देखेंगे हाफ ग्रुप टास्क के बाद आप देखते हैं ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जिसे स्नेक रेस कहा जाता है और लेक्चरिंग, फिर उसके बाद इंटरव्यूइंग आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स. ओके, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बाद आपकी अगली चीज फुल ग्रुप टास्क. ये सभी टास्क और कमांड टास्क फाइनली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं GTO के टेस्टिंग प्रोसीजर को. और GTO के टेस्टिंग प्रोसीजर में आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा समय तक 2 दिन तक GTO आपके साथ रहते हैं और सभी पैरामीटर्स को बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके आपको समझते हैं. तो GTO आपसे ध्यान रखते हैं ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स का, चाहे आप ग्रुप डिस्कशन में हो या फिर आप ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में हो, GTO ध्यान रखते हैं कि क्या कैंडिडेट किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने में कैपेबल है या नहीं, क्या रिसोर्सेज का एक बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर पा रहे हैं या नहीं. अगली चीज वो ग्रुप में ये भी देखते हैं कि ये जो कैंडिडेट है क्या ये इनिशिएटिव भी ले रहा है और इज ही जस्ट गोइंग विद द फ्लो. ओके, अगर कैंडिडेट फ्लो के साथ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग में अच्छा नहीं है, क्योंकि ये दूसरों को अलाउ कर रहा है कि वो ही आप कैंडिडेट के लिए डिसीजंस लेते रहे. इसी के साथ साथ आप देखेंगे एक इनिशिएटिव लेना एक लीडर की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है. नेक्स्ट आप देखते हैं डिटर्मिनेशन. आप किस हिसाब से एक ग्रुप को कन्विंस करते हैं कि वो भी जो आप सोच रहे हैं उन्हीं एक्शंस को एग्जीक्यूट करें, और आपके डिटर्मिनेशन को ये रिफ्लेक्ट करता है कि आपने किस प्रकार से सभी चीजों को अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराया और पूरे ग्रुप के साथ भी एग्जीक्यूट करा सके थे. अगली चीज आती है करेज. अब चाहे आपका स्नेक रेस हो जिसे आप ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस कहते हैं या फिर आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो, उसमें ही
एक जीटीओ को पता चल जाता है दैट वेदर और नॉट द कैंडिडेट इज करेजियस. कहीं ऐसा तो नहीं है हाइट्स का फोबिया हो और छोटी छोटी हाइट्स पर भी चढ़ने में अगर कैंडिडेट डरता है तो असेसर को पता चल जाता है दैट द कैंडिडेट लैक्स इन करेज. अगली चीज आती है स्टेमिना. अब ये स्टेमिना बहुत जरूरी है. स्टेमिना आप देखेंगे स्नेक रेस और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स. आपकी फिजिकल फिटनेस को टेस्ट करने के लिए यही दो टेस्ट वहां पर कंडक्ट कराए गए थे. कई बार उसमें ऐसा भी होता है कि टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं और उसके बीच में ही 3 मिनट के टास्क में 3 मिनट के इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स में ही कैंडिडेट थक जाता है. अब ये जो सारी चीजें हैं ये आपके अगेंस्ट चली जाती हैं क्योंकि एक आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर के लिए स्टेमिना एक काफी महत्वपूर्ण एक पैरामीटर होता है. कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई जिम्मेदारी ली गई है और उस जिम्मेदारी को फुलफिल करने से पहले ही आप थक जाए. ये स्टेमिना सिर्फ आपका फिजिकल स्टेमिना नहीं है बट इट रिफ्लेक्ट्स योर फिजिकल एज वेल एज योर मेंटल स्टेमिना. ओके, आप इसी आपकी सभी क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं आप घर बैठे हुए आज ही ग्रेडअप के साथ. ग्रेडअप आप लोगों के लिए क्रैक एसएसबी का एक और 30-day मास्टर कोर्स लेकर आया है एंड दिस कोर्स विल बी टॉट टू यू बाय एक्सपर्ट फैकल्टी. भंवर सिंह सिरोही सर हु हैज हिमसेल्फ बीन एन एक्स एनडीए कैडेट ही विल बी टेकिंग सेशंस फॉर यू एंड आई विल आल्सो टेक सेशंस फॉर यू एंड आई हैव आल्सो गॉट एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years ऑफ मेंटरिंग कैंडिडेट्स फॉर रिटन एग्जाम्स एज वेल एज फॉर एसएसबी इंटरव्यूज. ये जो सेशन आपके लिए कंडक्ट कराया जाएगा कोर्स, इसमें 50 से ज्यादा लाइव क्लासेस कराई जाएंगी आपके साथ और आपके स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा साइकोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर. इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं ये पहला ऐसा कोर्स आपके लिए लाया गया है जहां पर आपको इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड फीडबैक्स दिया जाएगा आपको सभी साइकोलॉजिकल टेस्ट को लेकर. इसके बाद आपकी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो जीटीओ साइकोलॉजी और इंटरव्यूइंग स्किल्स के आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे. दूसरा, यहां पर जो भी लाइव क्लासेस कंडक्ट करी जाएंगी वो आपके लिए 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंश्योर करेंगी. दूसरा, ये लाइव क्लासेस आपके लिए एक रियल टाइम असेसमेंट के तौर पर भी काम आएगा. आप देखेंगे आपके जितने भी डाउट्स होते हैं आप उन्हीं डाउट्स को बहुत जल्दी सभी असेसर के साथ डिस्कस कर सकते हो, टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो और वहीं उन्हें रिजॉल्व कर सकते हो. आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी दिए जाएंगे जो आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में हेल्पफुल रहेंगे. इसके साथ साथ ड्यू डाउट डिस्कशन क्लासेस रखी जाएंगी जहां पर प्रैक्टिस सेट्स का डिस्कशन रखा जाएगा और आपके साथ सभी कैंडिडेट के साथ किस हिसाब से उनके रिस्पॉन्सेज को भी आप अपने रिस्पॉन्सेज का हिस्सा बना सकते हैं वो भी आप सीख सकते हैं. उसके बाद आप देखेंगे आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाएगा सभी चीजों का और स्पेशल एम्फेसिस दिया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करने में. दूसरा, इसकी बात अगर हम बात करें, ये लौता ऐसा कोर्स है जिसमें आपको फीडबैक देने के लिए सभी टीचर्स आपके साथ डेडिकेटेड ईमेल एड्रेसेस पर भी अवेलेबल रहेंगे और आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा ताकि आपकी डाउट क्लियरेंस 24/7 के लिए टीचर्स अवेलेबल रहे. अब इसी कोर्स के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो प्राइसेस थी दोज प्राइसेस हैव बीन स्लैश्ड और जो प्राइस पहले ₹4990 थी अब उसमें 40% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है. आपको सिर्फ कोड यूज करना है save40 और save40 कोड को यूज करने के बाद दिस कोर्स विल बी अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ ₹2994. तो आप देखेंगे बहुत ही थ्रो अवे प्राइस पर आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है जो आपकी एसएसबी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट करेगा. इसी के साथ साथ आप लोग अभी जो एनडीए का कैंडिडेट्स हैं जिन्हें मैं बस अभी हमने आफ्टरनून में एक सेशन लिया था जिसमें बताया था कि आपका एनडीए एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, आप लोगों के लिए भी हम एनडीए 1/2020 एग्जाम के लिए मास्टर कोर्स लेकर आए हैं. आप उस कोर्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. इसी के साथ साथ हम आप सभी कैंडिडेट्स को मैं ये बताना चाहता हूं आज शाम को इवनिंग में 8 बजे दोबारा से एक सेशन कंडक्ट कराया जाएगा भंवर सिंह सिरोही सर के द्वारा जो आपको एक एसएसबी टेस्टिंग प्रोसीजर में दोबारा से आपको लेकर चलेंगे और आपको समझाएंगे कि प्रोसीजर में असलियत में होता क्या है. इसी के साथ साथ जो इंटरव्यूज आप लोगों के, जैसे अंशुमन आपका डाउट है इंटरव्यूज कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे, इंटरव्यूज आपके साथ 1-on-1 इंटरव्यू इंटरेक्शन रखा जाएगा जिसके लिए लाइव वीडियो कॉल और लाइव सेशंस का ही इस्तेमाल किया जाएगा.
ओके सो ये जो प्राइस थी दैट इज ओनली फॉर अर एसएसबी कोर्स. उसके साथ साथ आप अपनी सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन को भी बूस्ट करने के लिए विजय सीएपीएफ कोर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो कैंडिडेट्स मेक यूज ऑफ दिस टाइम. प्रेप स्मार्ट, स्टे सेफ, गो ग्रेडअप.